से पेश हो रही हैं यहाँ पर। मैम शायद हो सकता है कि चेंजेस इसलिए हुई कि राहुल चौधरी नहीं है महाराष्ट्र आज विनर्स या नेशनल्स के, कुछ होगा उनके दिमाग में कुछ होगा। मेन रेडर इज नॉट देयर सो नेचुरली इट्स अफेक्टिंग। अर्जुन पुरस्काराच्या मानकरी मैच स्टार्टेड फर्स्ट रेड द बोनस किंग जिसे हम कहते हैं नितिन मदने, उन्होंने आते ही पहला पॉइंट ले लिया, बेहतरीन पॉइंट। हाफ स्क्वॅट थर्स्ट आगमन झालेलं आहे, त्यांनी सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती यावं अशी संयोजकांच्या तरफे आपल्याला विनंती आहे। वेरी इजीली ही कॅप्चर दॅट पॉइंट मॅम, यही तो टेक्निक आहे। नितिन मदने हम देखेंगे की कहां क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है, नितिन की स्विफ्टनेस ही बहुत जरूरी होती है। ही इज गुड इन हिज टेपिंग। अगर आपको फर्स्ट सेवन बताना चाहूंगा आज, विशाल माने, ऋषांग देवाड़ीगा, नितिन मदने, विकास काले, रुतराज कौरवी और नीलेश सालुंके, ये महाराष्ट्र के फर्स्ट सेवन एक्सेप्ट ऋषांग एंड आई थिंक नीलेश सालुंके, ऑल आर न्यू, कम्प्लीटली न्यू सेटिंग्स ओवर देयर। आई एम वॉचिंग। जी हाँ, फेडरेशन कप के नए चीज, और ये आ रहा है महाराष्ट्र का शेर, अभी भी यादें ताजा है मैडम, वही जिस और पूरी डू और डाई पर उसने पूरा महाराष्ट्र का नसीब ही बदल दिया। एंड रियली इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। द रेंज ही इज शोइंग ओवर देयर इन हिज स्टेप्स, दैट इज रियली वी हैव टू लर्न फ्रॉम द न्यूकमर, हैव टू लर्न फ्रॉम दैट स्टेपिंग। देखा जा रहा है कि ऋषांग बहुत ही सोच समझ से रेड मार रहे हैं। महाराष्ट्र वोंट लाइक टू लूज देयर दिस मैच। मैडम क्या सुंदर किक थी, बैक किक लगा दी गई है। एंड हियर ही गॉट पॉइंट। विना जी, और एक बेहतरीन चीज जो हम देख रहे हैं अभी, नितिन मदने जो लेफ्ट कॉर्नर पे खड़ा है वो उनका छोटा भाई है। yes, जूनियर yes, इंडिया yes, खेलते हुए हमने देखा, अपने भारत देश को वर्ल्ड कप का उन्होंने गोल्ड मेडल जिता के लाया था। yes. उनका नाम है कृष्णा मदने, दो भाई एक साथ खेलते हुए महाराष्ट्र टीम के लिए। अरे बोनस किंग, अरे देयर इज अ ट्रैप ओवर देयर, देयर वाज अ गुड ट्रैप सेट डाउन बाय उत्तर प्रदेश। And it is properly plan ankle hold, I think, because he completely ready over there. इसे कहते combination tackle, ma'am. जैसे ही and here, बात है, बेहतरीन सिंगल कैच किया था पर उनको सपोर्ट पीछे से अच्छा आया हुआ। चाइना वॉल खड़ी कर दी उन्होंने। जी हाँ मैडम, बहुत जबरदस्त वॉल खड़ी कर दी थी, अकेले भीड़ गए। Dispute over there. I think he demanding more point. Oh, both out over there. Yeah, both out ka demand diya gaya tha. And Nilesh going for entry. क्या बात है, दिखा दिया, बोनस करने का प्रयास किया जा रहा था पर उन्होंने एक पॉइंट लेके आ गए। Very sharply he is doing that running bonus. विना जी, हमेशा कहा जाता है कि कबड्डी में गलतियों की गुंजाइश नहीं होती है, और एक पॉइंट महत्व रखता है कबड्डी के इस गेम में। No doubt, alien one point we have when we are a grab, and then only we can reach up to the success. क्या बात है, विशाल माने लेफ्ट कवर की आंच से बेहतरीन ट्राई था उनके ऊपर पर कुछ नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश के रेडर, पांच की कवर। अब आपको बताना चाहूंगी बोनस अवेलेबल नहीं है, बोनस सिर्फ तभी अवेलेबल होता है जब ग्राउंड पे 6 या 7 फील्डर्स अवेलेबल होते हैं, वहां पे ग्राउंड पे होते हैं। विशांग का प्रयास होगा कि एक पॉइंट मारे। एलियन डू और डाई रेड के लिए कुछ प्लानिंग नहीं लग रही है वहां पर मुझे। Both the players, they directly started, directly in each and every entry, they are attacking over there.
देखना होगा कि अभी डू एंड डाई रेड में करेंगे खेलेंगे या नहीं. Both the team not waiting for do or die. They just want to play. यहाँ पे हम देख रहे छह नंबर के रेडर ने अच्छा प्रयास करते हुए ऋतुराज कौरी आउट हो चुके हैं. राजेश सावला ग्राउंड चले, इतनी जरूरत नहीं थी ऋतुराज को आगे आके खेलने की. एक्चुअली दिस इज होम ग्राउंड, लॉट्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर ओवर देयर, सो नो डाउट इट्स अफेक्टेड. नीलेश सालुंगे की अच्छी कोशिश, तीन पॉइंट की रेड. नीलेश सालुंगे देखना होगा कि ये सुपर रेड होती है कि नहीं. वन टू फेडरेशन कप की पहली सुपर रेड नीलेश सालुंगे. क्या बात है नीलेश सालुंगे, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के. आज आपके चार पॉइंट ऐसे ही हो चुके हैं, पहले एक पॉइंट और आप ये सुपर रेड. नीलेश होम ग्राउंड पे खेल रहा है तो नेचुरली एवरीबॉडी चीयर अप. नहीं पर मजा तो आ रहा है देखने में, क्योंकि बेहतरीन खेल का प्रदर्शन हो रहा है महाराष्ट्र की ओर से. प्रयास तो जारी है उत्तर प्रदेश की ओर से, पर कुछ कोई पॉइंट नहीं लग रहा है उनकी झोली में. ऑफिशियल टाइम आउट दिया गया है और ग्रीन कार्ड होगा पूरी महाराष्ट्र की टीम को. क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे? दे आर डिस्कसिंग एंड दे वॉन्ट टू प्लान समथिंग. आई थिंक दे वॉन्ट टू प्लान टू पीस, दे नीड पीस एट दिस मोमेंट. ग्राउंड में बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे शायद महाराष्ट्र की ये टीम. ऐसा लग रहा है कि आपस में बात करते करते कमेंट पास हो रहे हैं, इसलिए उनको ग्रीन कार्ड दिया गया है महाराष्ट्र की इस टीम को. दोनों कैप्टन को बुला के वार्निंग दी गई है. दे ईगरली वॉन्ट टू दैट लोना, नथिंग एल्स, एंड इमीडिएटली दे वॉन्ट. लेट्स सी व्हाट नीलेश सालुंगे डज नाउ. वन मोर पॉइंट फॉर नीलेश सालुंगे. वाओ क्या जबरदस्त पॉइंट था, जबकि हमें पता है कि राइट रेडर है नीलेश सालुंगे, पर उन्होंने लेफ्ट से एक पॉइंट मारा है अभी. एंड ही शोस बोथ साइड रेडिंग ओवर देयर एंड दिस इज हिज क्वालिटीज. जिस तरह की कबड्डी आजकल हो रही, क्या बात है विकास काले की ये डैश, क्या बात है विकास काले. अब देखना होगा कि सिंगल प्लेयर है, ये तो आसान सी कबड्डी चल रही है उत्तर प्रदेश. और ये फर्स्ट ऑल आउट महाराष्ट्र की तरफ से. उत्तर प्रदेश कहीं पर भी ऐसे फाइटिंग करते हुए नहीं देख रहा है. कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश मिस करता होगा अपने हीरो को राहुल चौधरी को. नेचुरली मैम दिस टीम डज. मैम विना जी आपको बोलना चाहूंगा कि रेस्ट हर चीज में बहुत बहुत जरूरी होती है एंड इट्स फ्रूटफुल फॉर देयर good be playing like a champions. They are champions and the champions are playing like champions today. No doubt. Viransa Sanma yas bhavyane divye stage varti ya kridangana varti udya honar ahe mananiya khasdar ama saglyanche shraddha asta. Bonus ka chance hai Uttar Pradesh ko, agar ab bonus dal sake to agar point lag rahe hain to Rishang ne kahin na kahin stop rate mare hain. वो सेकंड फिडल या सेकंड कवर खेल रहे आराम से नीलेश सालुंगे के लिए. कंपैरेटिवली नीलेश सालुंगे रिशांग नॉट परफॉर्मिंग दैट मच. ओह गुड फॉलो ओवर देयर, अच्छा फॉलो को प्रयास था. बट ही इज क्वाइट अलर्ट ओवर देयर. हम बोलते हैं कि एजिलिटी के, पर रिशांग को अगर फॉलो मारना होगा तो वो भी तो एक मुश्किल बात है. पर ठीक है, अच्छा प्रयास था, अच्छी कोशिश थी. कबड्डी में हर वक्त हमें अलर्ट रहना पड़ता है. जब मैच देख रहे उत्तर प्रदेश का स्कोर है 5 points और महाराष्ट्र 14 points, 9 points का लीड लेके महाराष्ट्र के पास. अभी तक फर्स्ट 10 मिनट्स जस्ट कंप्लीटेड ओवर देयर,
So, but for the Aram first 10 minutes, ma'am, this is a big lead. Big lead, huh? This is a big lead for the first 10 minutes. In first 10 minutes, they already have 9 points lead and they are showing their best performance over there. Oh, good round kick. ये जो points लेंगे ये आगे जाके कितने से जीतेंगे lead table में कौन top करेगा और second position में जो आएगा कौन पहुंचेगा semi final में बहुत जरूरी रखता है इसलिए team को score करना है और अच्छे points और ज़्यादा points score करने हैं। Alan pool A में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान है और पूल बी में कर्नाटका, उत्तराखंड सर्विसेज एंड इंडियन रेलवे है। आसान सी गलतियां हो रही है उत्तर प्रदेश की ओर से। राइट कॉर्नर को जरूरत ही नहीं है। ऋषांग देवाड़ीगा ने अपनी रेड शुरुआत ही की थी और उन्होंने डायरेक्ट उनके सामने आके खड़े हो गए। महाराष्ट्र पूरे तैयारी के साथ उतरा है। दे डोंट वॉन्ट टू लूज एनी वन चांस। 15-6 विकास काले की शिकायत है राइट कॉर्नर ऋतुराज से कि आप क्यों नहीं आए पीछे से। टाइम आउट लिया है यहाँ पे फर्स्ट टाइम आउट और स्ट्रेटेजी की डिस्कशन होते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग प्लान करना चाहते हैं। कोच का उनसे संवाद होते हुए कुछ बातें करते हुए कि कोच उनको कुछ बताना चाहता होगा। और अभी उत्तर प्रदेश को निहायत ही जरूरत है कि उन्हें कुछ अलग प्लान करना पड़ेगा और रेडर को वहाँ नए रेडर को उन्हें चांस देना पड़ेगा क्योंकि रेडिंग में उन्हें कुछ भी पॉइंट नहीं है। देखना होगा आज का स्टार नीलेश सालुंके। नो डाउट तभी अच्छा होगा अगर नीलेश सालुंके अच्छी कैच होगी तभी उनका मनोबल बढ़ेगा और नीलेश सालुंके मनोबल कम हो सकता है। पैसा लग तो नहीं रहा है नीलेश के फुटवर्क से आज। महाराष्ट्र 15 एंड उत्तर प्रदेश 6। ओ इज इट अ कमेंटेटर स्कोर। अभी हमने बात की थी कि नीलेश सालुंके को कैच नहीं हुई आज और ये पहली कैच नीलेश सालुंके को। यस उत्तर प्रदेश प्लान समथिंग इन देयर टाइम जो हम बोलते हैं कमेंटेटर कर्स ये सही में कमेंटेटर कर्स होगा शायद। अरे क्या बात है वेरी नाइस यार टाइम आउट का असर हुआ है। कोच ने कुछ तो बोला होगा उनको कि आपको कुछ करना है। And they show something. आ रही है लॉटरी है उत्तर प्रदेश की ये टीम। And now the score is उत्तर प्रदेश 2 से लीड आगे हो गया थोड़ा। मैंने 8 उत्तर प्रदेश 8 एंड महाराष्ट्र 16। देखिए अब ऋषांग देवाड़ीगा और ये पहला पॉइंट ऋषांग देवाड़ीगा का। क्या बात है ऋषांग अभी ऋषांग चार्ज हो गए। हाँ चार्ज तो होना ही होगा उन्हें क्योंकि नीलेश सालुंके अभी आउट हुए हैं। उनके कंधे पे बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। मजा आ रहा है मैम। SRPF ग्राउंड मुंबई क्या बात है। और सभी बहुत ही शांत होके मैच का आनंद ले रहे हैं। अब नहीं रुकेगा हीरो ऋषांग नेशनल्स 2017-2018 का हीरो ऋषांग देवाड़ीगा। जो सक्सेस ऋषांग ने अचीव की है वो नेचुरली वो हिस्ट्री बना दी उसने। और ये देखने को बेहतरीन लग रहा है ऋषांग इज इन फुल फ्लो। कहीं रुका के रुक गया था ऋषांग अब आगे बढ़ रहा है और जोर से आगे बढ़ रहा है। शायद उसने नीलेश को थोड़ा स्कोप दिया था रेडिंग के लिए। नहीं कबड्डी का यही गेम है स्ट्रेटेजी का गेम है इसीलिए बोलते हैं हम कि नीलेश को पॉइंट लग रहे थे तो ऋषांग थोड़ा स्लो अपने आप को कुछ रोक रखा था पर अब नीलेश जब आउट हुआ है तो किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना होगा। नाइन पॉइंट्स की लीड है अभी देखेंगे। नाइन पॉइंट्स की लीड मतलब एक लोन का लीड। कहीं ना कहीं गलतियां होते हुए अभी तक दोनों टीम उतनी सेट नहीं हुई है। जी आप फेडरेशन कप का ये पहला मैच है Lots तो of pressure over there. मैच प्रैक्टिस की भी जरूरत थी और आज ये मैच पहली मैच है जो हो सकता है कि पूरी तरह से कवर सेट नहीं हुई होगी पर जैसे आगे आगे खेलते जाएंगे उनकी कवर सेट होगी और बेहतरीन खेल दिखाई देगा। They are just coming from the camp. उत्तर प्रदेश 8 महाराष्ट्र 17।
उत्तर प्रदेश 8 महाराष्ट्र 7 और एक गिफ्ट में पॉइंट देते हुए 17 11 पॉइंट्स लीड ओवर देयर 79 का स्कोर होते हुए एक पॉइंट गिफ्ट में दे दिया सीधा खुद ही जाके लॉबी में बैठ गए मगर ऐसी गलती होना बहुत अच्छी बात नहीं है महाराष्ट्र के लिए नितिन मदने का बोनस का प्रयास बोनस किंग माना जाता है नितिन मदने उसके फुटस्टेप्स इतने अच्छे हैं कि हम देखते ही रह जाते हैं उसके फुटस्टेप्स अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा नितिन मदने को इतने लंबे से पूरे पैर अपने स्ट्रेच करके बोनस डालता है जो बोनस डालना सबसे जरूरी है कितने दूर से हम बोनस डालते कितने दूर से हम बोनस डाल के बाहर निकलते हैं एलियन बोनस वही ग्रैब कर सकता है जिसकी अपनी लोअर लेग्स में बहुत अच्छी ताकत होनी चाहिए पर अब एक बात महाराष्ट्र के लिए भी अच्छी है कि बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा यूपी की इस टीम को क्योंकि सिर्फ 5 डिफेंडर्स बचे हुए हैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 6 या 7 में ही सिर्फ बोनस मिलता है पर बोनस की कहां जरूरत थी उत्तर प्रदेश को वो तो एक पॉइंट ले गए सीधी सीधी Now Rishank have to play some technically and tactically. He have to control over the in this moment. अपने कैप्टन है वो और कैप्टन की जैसे खेलना होगा उनको अपने टीम को लोन से बचाना होगा सबसे बड़ी चीज तो ये है उनको लोन से बचाना होगा अपनी टीम को सिर्फ 7 पॉइंट की लीड है महाराष्ट्र के पास और यहाँ रिशांक की पकड़ हो गई है कहीं ना कहीं रिशांक ये तो अलार्म बाजार बज गया महाराष्ट्र के लिए 11-17 का स्कोर यूपी नजदीक आते हुए सिर्फ 6 पॉइंट्स की लीड है सिर्फ 6 पॉइंट की लीड और एक है सुपर टैकल का चांस महाराष्ट्र के पास 3 प्लेयर्स बचे हुए हैं और ऑलरेडी विशाल माने वॉल नीलेश सालुंके नितिन मदने दो रेडर तो है अंदर तो अभी तक कुछ घबराने की डरने की तो बात नहीं है मैम गलतियां हो रही है महाराष्ट्र की तरफ से अगर ऑल आउट होंगे सिर्फ 1 पॉइंट का लीड रह जाएगा और बहुत महंगा पड़ सकता है नेचुरली मैच इतनी पॉज होनी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि लीड कर रही थी और यहां मदने ने शायद बोनस पॉइंट एक्वायर किया है देखते हैं रेफरी क्या बताते ये देखिए कितनी दूर से बोनस का प्रयास था सिर्फ प्रयास ही रह गया मैम कुछ और कुछ नहीं मिला हाथ तो कुछ लगा नहीं उनके अब लोन बचाना सबसे ज्यादा जरूरी क्योंकि दोनों रेडर सामने खड़े हैं सिर्फ 5 पॉइंट की लीड महाराष्ट्र के पास है और अगर ये लोन होता है तो सिर्फ 1 पॉइंट का लीड रह जाएगा नीलेश सालुंके नितिन मदने दोनों रेडर्स पर दोनों रेडर्स काफी अच्छे ढंग से यहाँ खेलते हुए नजर आते हैं गलतियां अगर ऑल आउट होगी महाराष्ट्र तो सिर्फ 1 का लीड रह जाएगा महाराष्ट्र के पास एंड एक टफ मैच देखने को मिलेगी सभी पर महाराष्ट्र ने भी सोचा होगा कि महाराष्ट्र में मेहमान आए तो वन साइड ही क्यों खेले थोड़ा और मजा हो जाए मैच में थोड़ा और रोमांच लाया जाए शायद महाराष्ट्र में ये सभी खेलों में ऐसे ही होता है क्या छत्रपति पुरस्कार पता नहीं मैच के बाद ही पता चलेगा देखना होगा कि क्या होता है और क्या नहीं वेलकम करते मेहमान नवाजी में अरे अरे ये मेहमान नवाजी बहुत ही भारी पड़ गई महाराष्ट्र को एक गिफ्ट में एक बोनस दे दिया नितिन मदने को और ऑल आउट हो गए दे नीड टू कंसर्न नाउ एक बोनस के जो बोनस नितिन मदने ने अभी डाला 18-16 स्कोर है महाराष्ट्र 18 उत्तर प्रदेश 16 दो बोनस के दो पॉइंट के वजह से यहाँ महाराष्ट्र लीड पर है मगर दे हैव टू प्लान समथिंग अनदर मैम जस्ट 5 मिनट के पहले हमने देखा था कि कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश के कोच ने आके उनको कहा था टाइम आउट लेके अब हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के कोच आके कुछ बोल रहे देखते हैं किसका क्या परिणाम होता है महाराष्ट्र के कोच माणिक राठौर ने क्या बताया है अपने प्लेयर को ये देखना सही ढंग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नाराज होंगे माणिक राठौर सर Sure. क्योंकि एक लोन खा रहे आप अपने ऊपर ले रहे हो वो भी 7 से 8 मिनट में गलत चीज है एलियन गेम में तो सब कुछ चलता है कभी कभी वो टेम्पो रहता नहीं है तो इट्स हैपन इन गेम इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम एक्चुअली इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम बट कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सामने वाले की मनोबल बढ़ जाता है सामने वाले की टीम का
पहले ही मैंने बताया था कि दिस इज द होम ग्राउंड, साइकोलॉजिकल लॉट्स ऑफ प्रेशर ओवर देयर, सो ये मे बी इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट, बट दे हैव टू प्लान समथिंग फॉर दैट. ज्यांनी बँक बोर्डचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे, अर्जुन अवॉर्ड विजेते कर्नाटकचे खेळाडू आहेत, यांचा सुद्धा रिशांका प्रयास. और रिशांक सीधे लॉबी में, क्या बात है रिशांक, राइट कवर का ये टच और सीधे लॉबी में जाके उन्हें दिखा दिया रेफरी को कि मैंने एक पॉइंट लाया है. और डुअर लास्ट में महाराष्ट्र महाराष्ट्र की जो मैच हुई थी उस मैच में भी रिशांक ने डुअर डाय रेड में इसी तरह पॉइंट. जी हाँ जी हाँ, वो पल तो कोई भूल ही नहीं सकता. और आप देख रहे हो जब आप डू एंड डाय रेड की बात कर रहे हैं, मीना जी याद नहीं है मुझे इस मैच में कि डू एंड डाय रेड हुई है, हर टीम अटैक पे खेल रही है. यस यस यस, आई जस्ट बिफोर 5 मिनट्स आई टोल्ड यू कि ये दोनों कंसर्न ही नहीं कर रहे कि थर्ड रेड भी है वहां पे, दे डोंट प्लान फॉर दैट. जहाँ इसी तरह आप देखोगे कि हाफ टाइम है और हाफ टाइम का स्कोर है 19-16, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स का लीड लेते हुए महाराष्ट्र की ये टीम. विना जी और कौन सी टीम खेल रही है पूल ए और पूल बी में? पूल ए में महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है. और पूल बी में कर्नाटका, उत्तराखंड सर्विसेज एंड इंडियन रेलवे. इसका मतलब है जो मैच अब चल रहा है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, वो भी उनकी लड़ाई होगी हरियाणा और राजस्थान से. और ग्रुप बी में लड़ाई होगी कर्नाटक, उत्तराखंड सर्विसेज और इंडियन रेलवे. इंडियन रेलवे और सर्विसेज दोनों ही प्रोफेशनल टीम है एलियन. अरे बहुत जबरदस्त मैचेस होने वाले हैं मैडम, क्या बात है. और कर्नाटका की टीम भी कुछ कम नहीं है. नहीं, कर्नाटक में स्टार्स भरे पड़े हुए हैं. शब्बीर बापू है वहाँ, राय है और सुकेश हेगड़े उनके पास, प्रशांत राय है, प्रपंचन है, जीवा कुमार है, क्या बात है. बहुत बढ़िया टीम है कर्नाटक की भी. तो स्टार है, सब 7 स्टार ही लेके आए हैं उतरे हैं. नहीं नहीं मैडम, यहाँ आप देखोगे तो हरियाणा की भी टीम बहुत बढ़िया है, सर्विसेज की भी टीम बढ़िया है, सब टीम बढ़िया है और बढ़िया बढ़िया प्लेयर लेके आए हुए हैं वो. और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अनूप कुमार भी बहुत जोरदम से आए, बहुत फ्रेश लग रहे हैं और फाइनल मारने की चाह से आए होंगे कि आए महाराष्ट्र में तो कुछ लेके जरूर जाएंगे. वो भी तैयारी के साथ आए हैं, नहीं उन्हें आना ही पड़ेगा क्योंकि वैसे अनूप कुमार भी बंबई के ही रहने वाले हैं और कहीं और से. नहीं नहीं नहीं, अनूप कुमार तो एक्चुअली शायद वो हरियाणा के रहने वाले हैं, बंबई में वो पहले खेला करते थे एयर इंडिया के लिए, अब वो फिलहाल DYSP है हरियाणा पुलिस में. अच्छा, तो हरियाणा वाले हैं. मैम अगर हम आपको ये थोड़ी सी आप पीछे चले जाएं, क्या महाराष्ट्र की तरफ से गलतियां हुई है जिसकी वजह से लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात है, हमारे यहाँ है इंडिया के शेर, इंडिया के दुरंदर अनूप कुमार. आप जो अगली आवाज सुनेंगे अनूप कुमार, अनूप जी आपका स्वागत है SRPF ग्राउंड फेडरेशन कप 2018 में. अनूप जी मैच जो आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र लीड कर रही थी, कहाँ गलती हुई महाराष्ट्र की तौर से? कबड्डी में थोड़ी बहुत लीड कोई मायने नहीं रखती, और थोड़ा सा डिफेंस उनका लूज हुआ, उनका यूपी का जो 7 नंबर का जो रेडर है काफी अच्छा खेल रहा है, उसने स्कोरिंग काफी अच्छी की है, और अभी भी 4 पॉइंट की लीड है महाराष्ट्र की, तो कोई ज्यादा लीड नहीं मान सकते. अगर यूपी थोड़ा सा भी अच्छा खेलेगी तो कवर कर सकती है. नहीं पर बढ़िया लीड लेके एक अच्छे पोजीशन पे थी, पोजीशन 1 मिनट में अगर हम एक डिफेंस में अगर एक गलती हो जाए, एक गलती के ऊपर हम 2 या 3 स्कोर दे सकते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाती है टीम पूरा. मतलब हमारा तो ये बोलना होगा कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी. हाँ जी बिल्कुल, गलती की कोई गुंजाइश नहीं. और अनूप जी देखा गया कि हरियाणा की टीम भी बहुत जोरदम से आई है,
हाँ बिल्कुल पूरी तैयारी करके आए हम लोग। नेशनल में हार गए थे, हमारा नेशनल अच्छा नहीं रहा था इतना, सेमी में सर्विसेज के साथ। बाकी अभी हम थोड़ा तैयारी करके आए, फेडरेशन कप में काफी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये फिर से गलती होती हुई नीलेश सालुंके की, एक अच्छी कैच, अच्छी टैकल होती हुई नीलेश सालुंके की। देखिए नीलेश काफी अच्छा खेल रहा है और गलती मैच में होती है, कोई भी प्लेयर हो हमेशा वो 100% अपना नहीं दे सकता, और नीलेश की शुरुआत काफी अच्छी रही है, ऐसी एक दो गलती से कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है। नहीं पर अनुप जी, जहां मैच में देख रहे हैं नीलेश सालुंके मैच की स्टार्टिंग 5-6 मिनट्स में बहुत जोर से खेले, और जहां उनको टैकल हुई फिर ऋषंग देवाड़ी का आगे आके उन्होंने अपना गेम बढ़ा के उन्होंने स्कोरिंग चालू कर दी। यही होता है टीम गेम, दोनों नीलेश पहले अच्छा खेल रहा था, ऋषंग स्लो करके खेल रहा था बिल्कुल। अभी नीलेश थोड़ा लूज हुआ तो ऋषंग थोड़ा ऊपर आके खेला, अपने कैप्टनसी के हिसाब से उसने जैसे उसको दिमाग लगाया उसके हिसाब से खेला। अनुज जी तो मानेंगे कि आप हरियाणा से आए तो आप सोचे रहे होंगे कि महाराष्ट्र से कुछ लेके जरूर जाएंगे, क्या वो फेडरेशन कप 2018 है? कोशिश करेंगे पूरी पूरी, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, बाकी टीम अच्छी है और कॉम्पिटिशन काफी अच्छा है। और कोई टीम है आपको लग रहा है कि फेडरेशन कप की दावेदार है, प्रमुख दावेदार, अच्छी दावेदार है? यहाँ पे वैसे तो सभी टीम में दावेदार तो देखो सभी है, काफी अच्छा सर्विसेज अच्छी टीम है, महाराष्ट्र काफी अच्छी टीम है, हरियाणा स्ट्रॉन्ग टीम है, कर्नाटक, मेरे हिसाब से 4 टीमें बेस्ट है। आपकी हरियाणा टीम कैसी है वो तो बताइए। हरियाणा टीम काफी अच्छी है बिल्कुल, हरियाणा टीम में सभी लीग के प्लेयर खेल रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो होगा पूरे लीग में जो हमारे बेस्ट खिलाड़ी हैं वो सब खेलेंगे, तो बेस्ट टीम है हरियाणा। मगर कौन से प्लेयर खेल लेके आए हैं अनुप जी आप? संदीप नरवाल है, रविंदर पहल है, मंजीत छिल्लर है, सुरेंद्र नाडा है और मैं खुद भी हूँ, तो टीम काफी स्ट्रॉन्ग है हमारी, चमक दमक सब स्टार आपके साथ है तो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जोश से भरी हुई टीम हरियाणा की। और ये विशाल माने का एक अच्छा टैकल, सोलो टैकल जिसे हम कहते हैं, विशाल का सोलो टैकल काफी परफेक्ट है, बहुत अच्छा करता है। और विशाल अभी फेडरेशन कप टीम में है तो ये भी एक काफी अच्छी बात है महाराष्ट्र के लिए। कहां जा रही है महाराष्ट्र की टीम, महाराष्ट्र 21 और उत्तर प्रदेश 18 पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट की लीड रह चुके अनुप जी। अभी देखिए टाइम में बहुत टाइम है अभी मैच का, तो ये 2-3 पॉइंट लीड कुछ नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है कहने को तो, पर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र टीम में काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और इस मैच को आराम से निकाल लेंगे। आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा, कहीं ना कहीं कमतरता होगी राहुल चौधरी की उत्तर प्रदेश की इस टीम में? बहुत ज्यादा, मुझे लगता है अगर राहुल चौधरी इस टीम में होता तो मैच का स्कोर कुछ और होता जहां तक मुझे लगता है। पर अगर देखें तो ऋषंग भी मतलब पूरा 100% अपना खेल नहीं रहा, वो बहुत आराम से मतलब मैच को सिचुएशन के हिसाब से खेल रहा है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अनुप जी, थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट आपको, धन्यवाद। 22-18 सिर्फ 4 पॉइंट की लीड महाराष्ट्र की ओर से। कृष्णा मदने महाराष्ट्र, ये अच्छा फॉलो करते हुए, अच्छा फॉलो पॉइंट बहुत जरूरत होती है कि अच्छा कोई फॉलो करना। अलिन अब तक 6 पॉइंट की तो लीड आ गई है, चलो थोड़ा थोड़ी राहत तो मिली। कभी पलड़ा इस तरफ जाते हुए, कभी पलड़ा उस तरफ जाते हुए, पता नहीं चल रहा है कि मैच कौन जीतेगा। सही बात है एलन, अभी ऋषंग ने जितना कूल उसका फॉर्म है वो थोड़ा उसने बढ़ाना चाहिए, पर कैप्टन ऋषंग देवाड़ी का अंदर है, उन्हें अपने टीम को मनोबल बढ़ा के रखना होगा, उनको टीम को समझाना होगा कि अगर ये टीम, अगर ये स्कोर हमको रखना है, पूरी 7 प्लेइंग 7 अंदर है, स्लो एंड स्टेडी अगर ये मैच चलेगा, अच्छे से खेलेंगे अगर महाराष्ट्र की टीम तो यहाँ से हार नहीं सकती, क्योंकि अच्छी कवर है, अच्छे 3 रेडर्स है उनके पास।
बलवान सिंह एलियन अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स में अनूप कुमार आके गए तो वो कूल कैप्टन कहलाते हैं, शायद ऋषांग ने उन्हें उनसे यही सीखा होगा। अनूप को हमेशा देखा गया कि कैप्टन कूल है, वो किसी भी तरह की मैच हो, कोई भी सिचुएशन हो, अनूप कंट्रोल करने में सबसे बेहतरीन कैप्टन माना जाता है। क्या बात है, बेहतरीन डाइव कृष्णा मदने अब अपनी फॉर्म में आते हुए, छोटा सा कृष्णा मदने 7 पॉइंट की लीड आ गई है और ऋषांग कोई भी अभी चांस लेगा ऐसे मुझे नहीं लग रहा। महाराष्ट्र 25 पॉइंट्स, उत्तर प्रदेश 18 पॉइंट्स, महाराष्ट्र लीडिंग बाय 7 पॉइंट्स। 4 प्लेयर बाकी है, ऋषांग शायद भाग के आगे जाके पॉइंट लेने की कोशिश करेगा और यहाँ बात है, और ये टैकल, द किंग ऑफ द रिंग इज डाउन। एलियन उसका स्टांस तो पता चल रहा था कि वो भाग के आगे जाने वाला है और उत्तर प्रदेश ने भी ये भाप लिया था, इसी वजह से उसकी नहीं गलती ये हुई कि वो आगे जाते हुए राइट कॉर्नर के जो हाथ के नीचे खड़ा हुआ था, जो उनका राइट इन था, उन्होंने उनको टैकल किया है। That's true. पर आजकल कबड्डी में माना जाता है कुछ समझ में नहीं आता है कौन टैकल करेगा, क्योंकि पहले जब कबड्डी होती थी सबको लगता था राइट कवर लेफ्ट कवर, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर, पर आज आप देखोगे बीच से भी एंकल होल्ड करते हैं और इन वाले राइट इन लेफ्ट इन भी कबड्डी नाउ करते हैं। कबड्डी नाउ एडवांस, सो देयर आर सो मेनी एडवांस टैकल्स ओवर देयर। वीना जी अगर ओलंपिक्स में जाना है कबड्डी को तो एडवांस होना ही होगा, नो डाउट। नीलेश के अपनी फिर रफ्तार बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे, पिछले 2 कैचेस से नीलेश सालुंगे ने जाना होगा कि कहीं थम के खेलना होगा। स्कोर महाराष्ट्र का 25 पॉइंट्स, उत्तर प्रदेश 19 पॉइंट्स, सिर्फ 6 पॉइंट्स की लीड है महाराष्ट्र के पास, सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट्स की लीड। यस, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यही है खेल कबड्डी का, कबड्डी माने कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। अब तो सबकी धड़कनें बढ़ गई है, धड़कनें बढ़ाने की काम किए महाराष्ट्र ने, लास्ट टेन मिनट्स ही बाकी रह गए, आखिरी 10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, पर अच्छी लीड लेके रखी है 6 पॉइंट की अभी तक महाराष्ट्र ने, देखेंगे अभी कुछ क्या होता है, क्या रंग लाता है। वैसे तो देखिए वॉल ऑफ कबड्डी, विशाल माने क्या बेहतरीन टैकल की उन्होंने, सीधे आके फॉरवर्ड आके ब्लॉक, इसे कहते हैं अच्छा ब्लॉक, अच्छे टाइमिंग के साथ ब्लॉक किया। जी हाँ, टाइमिंग तो सबसे जरूरी होता है कबड्डी में। नजर हटी दुर्घटना घटी, उत्तर प्रदेश आपकी नजर हटी और आपकी दुर्घटना घटी। 7 पॉइंट की लीड महाराष्ट्र के पास, यही लीड बरकरार रखना होगा उन्हें, क्योंकि ये स्कोर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि लीग मैचेस में स्कोर बहुत मायने रखते हैं। एलियन मगर महाराष्ट्र के प्लेयर अभी से ही हर एक एंट्री में टाइम पास कर रहे हैं, शायद ये थोड़ा गलत है। डू एंड डाई रेड हो गई, हम तो इंतजार ही कर रहे थे डू एंड डाई रेड का, ये मैच की पहली डू एंड डाई रेड है मैडम। यस, मैं अभी मैंने थोड़े देर पहले तुझे आपसे कहा था कि डू और डाई रेड पे खेलना चाहिए मैच। अब अगर इस 30 सेकंड के अंदर अगर नीले सालों के कोई पॉइंट नहीं ले जाता है तो उसे रेफरी आउट दे दिया जाएगा। गलती नीले सालों के की, अगेन 6 पॉइंट्स का लीड रहेगा, चलो देखते हैं। 6 पॉइंट्स का लीड बढ़ रहा है 7 की तरफ और 1 फिर से वापिस जा रहा है 6 की तरफ। बोनस ऑन है, बोनस इज ऑन, बट उत्तर प्रदेश के पास वैसे तो कोई श्योर शॉट रेडर तो नहीं है अभी तक, तो कोई दिख नहीं रहा वैसे तो नहीं, पर आगे इनकी भिड़ंत, आज अगर भी राहुल चौधरी नहीं है टीम में पर आगे भिड़ंत अच्छी अच्छी टीमों से है उनकी। इमेजिन एलियन अगर राहुल चौधरी होते तो ये गेम और तो और हो का नहीं है मैडम जी, कोई भी वो भी साथ खेलते हम भी साथ खेलते हैं, पर राहुल चौधरी होता तो कहीं ना कहीं एडवांटेज होता ये जरूर है उत्तर प्रदेश को। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का एडवांटेज होता। ऋषांग की काफी हल्की सी रेड है, डैशिंग कैप्टन ऑफ महाराष्ट्र
कोई भी अग्रेसिव स्टांस लेते हुए निशांक मुझे दिख नहीं रहा है. शायद कोई अलग रणनीति महाराष्ट्र की टीम ने बनाई हो. शायद महाराष्ट्र टीम अब डू एंड डायरेड पे, और ये डू एंड डायरेड उत्तर प्रदेश की शायद ये पहली डू और डायरेड. जी हाँ पहली डू एंड डायरेड है उत्तर प्रदेश की. और यहाँ दो पॉइंट मिले. चलो, गलतियों पे गलतियां कर रही है महाराष्ट्र की ये टीम. विशाल माने कहीं ना कहीं लेट हो गए डैश देने में. सिर्फ 4 पॉइंट की लीड अभी महाराष्ट्र के पास, जिसे हम कहते हैं बैक शूट. विशाल लेट हो गए जब राइट कवर पे अटैक हुआ था. विशाल माने को उसी समय जाके डैश देना था, मगर विशाल माने थोड़ा वहां पे चूक गए. मैडम, गेम ऑफ टाइमिंग, गेम ऑफ स्किल, इसे तो हम कहते हैं टाइमिंग बहुत बहुत जरूरी है कबड्डी में, क्योंकि आपको वहीं पे थोड़े से नहीं, रोमांच बढ़ता हुआ चल रहा है मैच में, मजा आ रहा है. टेन इंटू थर्टीन में खेलना है तो उसी हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा. ऋषांग का तो अच्छा प्रयास था. ऋषांग लॉबी में गए, रेफरी ने आउट नहीं दिया, इसका मतलब ऋषांग का ये पॉइंट. और उनका कॉन्फिडेंस देखो. जी हाँ, क्या कॉन्फिडेंस में, सीधे जाके लॉबी में खड़े हो रहे हैं. उन्हें पता है कि हमने किया है. प्रयास चल रहा है, प्रयास चल रहा है, अटैक पे अटैक हो रहा है उत्तर प्रदेश का. वक्त बहुत कम बचा है, अब देखना होगा उत्तर प्रदेश कैसे आगे आएगा, इस मैच को कैसे जीतेगा. कोई भी गलती महाराष्ट्र को भारी पड़ सकती है यहाँ पे. अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है महाराष्ट्र की इस टीम को, कोई गलती की गुंजाइश नहीं बची है. नितिन मद ने बहुत ही शांत खेल, कोई जरूरत नहीं है. बोनस ऑन है एलियन यहाँ पे, तो फुल चांस है नितिन मदने को बोनस करने के लिए. देखते हैं, पर 5 पॉइंट की लीड है विना जी. अगर नितिन मदने बोनस करने चलेगा, उनकी टैकल हो गई, तो वो भारी पड़ सकता है महाराष्ट्र की इस टीम को. सिर्फ 5 डिफेंडर्स बचे हुए हैं, बोनस अवेलेबल नहीं है अभी. अच्छा ट्राई था, अच्छा प्रयास था. इतने कम मार्जिन से अगर कोई भी टीम जीते और हारे तो पूल में निश्चित ही उसका असर पड़ेगा. जी हाँ. और विना जी, अरे क्या हो रहा है, बज गए. और अच्छी बात तो ये है, जो हम ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे कबड्डी यूनिवर्स, हमारे जो प्यारे अर्जुन अवार्डी है राजू जी भावसार, उन्होंने ये प्रयास किया. और पहली बार ऑल इंडिया जैसा इतना बड़ा टूर्नामेंट कबड्डी यूनिवर्स लाइव दिखा रहा है, पूरी दुनिया बैठ के इस टूर्नामेंट को देख पा रही है. एट ए टाइम मिलियंस पीपल, मिलियंस कबड्डियंस वॉचिंग फेडरेशन कप. तो आपको सबको मैं गुजारिश करूंगा कि आप कबड्डी यूनिवर्स ये ऐप प्ले स्टोर में ऐप अवेलेबल है, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कबड्डी अपडेट्स. मैं आपको बोलूंगा कि प्ले स्टोर पे जाइए, कबड्डी यूनिवर्स ये ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको ऐसे बेहतरीन मैचेस आपको कबड्डी यूनिवर्स में देखने मिल जाएंगे. और न्यू कमर्स के लिए ये काफी क्या बात है, ऋषांग देवाड़ी का क्या है, रेफरी के डिसीजन का इंतजार हो रहा है. 4 पॉइंट, और रेफरी ने गिनती शुरू कर दी है. और शेर धुरंधरों का धुरंधर, देखना होगा कितनी उंगलियां उठी है. और ये 3 उंगलियां, ये सुपर रेड ऋषांग देवाड़ीका की तरफ से. ओके, चलो राहत की सांस तो ले ले. राहत की सांस कहीं ना कहीं तो महाराष्ट्र की टीम ने ली होगी, पर सिर्फ 7 पॉइंट का रह चुका है. 26 गुना चा फरका ने महाराष्ट्र मुलींचा संघ, मगर यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है. वार्निंग दी जा रही शायद, नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं महाराष्ट्र टीम, प्लेयर सब्स्टिट्यूट कर रही है. अध्यक्ष ग्रेटर बॉम्बे विराज लांडगे अंदर आया हुआ है, और शिवराज कवरी अंदर आते हुए. यही टीम महाराष्ट्र की खेली थी फाइनल में. जी नहीं, आप जो चेहरा देख रहे हैं ऋतुराज, शिवराज जादव जो हम चेहरा देख रहे हैं राइट कॉर्नर पे, ये पहली बार महाराष्ट्र के लिए खेल रहा है. कोच को कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस होगा उनके ऊपर, इसलिए कोच ने शिवराज को मौका दिया है. और विराज को तो आपने खेलते हुए देखा होगा,
जो फाइनल मारी थी महाराष्ट्र ने, अच्छा एक पिलर था। जी हाँ, पुणे से खेलता है अपना खिलाड़ी, पुणे वाले यहाँ पे बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि उनका खिलाड़ी अभी अंदर आ गया है। इसे देखिए, 3 पॉइंट का दावेदार ऋषांक तिवाड़ी का, डायरेक्ट अटैक, लोन लेने का चांस, सुपर टैकल हो सकती थी पर ऋषांक देवाड़ी के ना जाके 1 पॉइंट मार के अपने टीम की लीड को बढ़ा के महाराष्ट्र 32 उत्तर प्रदेश 23। उपविभाग प्रमुख दीपक सुर्वे, क्या बात है, विराट लांडगे आते ही क्या कर दिया इन्होंने, उत्तर प्रदेश की एक टीम को जोश में होश खो बैठे वो। नहीं नहीं नहीं, वो चाहते कि ऋषांक देवाड़े का और मेहनत करे और अपना टीम, अपना खुद का स्कोर बढ़ाए और टीम का भी स्कोर बढ़ाए। दो प्लेयर बचे हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश को अभी चांस है सुपर टैकल का। यस, देखते हैं, 3 प्लेयर हो चुके हैं उनके, सिर्फ 7 पॉइंट, शायद 2 पॉइंट दिए गए, अभी 2 पॉइंट दिए उत्तर प्रदेश को। और यहाँ पे ऋषांक काफी आराम से रेडिंग करता हुआ हमें दिख रहा है, कोई भी ट्राई नहीं, समझ बूझ से पीछे जाते हुए क्योंकि 5 की कवर है महाराष्ट्र की और बोनस भी ऑन नहीं है। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश की क्या स्ट्रेटजी है, थर्ड रेड के, वो थर्ड रेड के लिए वेट कर रहे हैं। जी हाँ, थर्ड रेड के लिए खेल रहे हैं, देखते हैं। नीलेश साळुंखे, सही है, अगर उत्तर प्रदेश को जीतना है तो उन्हें महाराष्ट्र के ऊपर लोन चढ़ाना बहुत जरूरी होगा, और अगर उनको लोन चढ़ाना है उनको कवर कैच करना जरूरी होगा। ऑल आउट सबसे मायने रखेगा उत्तर प्रदेश के लिए, कितना जल्दी वो ऑल आउट करते हैं। नीलेश साळुंखे का अच्छा प्रयास था, काफी अच्छा प्रयास, पर बाल बाल बचे उत्तर प्रदेश के प्लेयर, काफी अच्छा, अच्छे रेंज से उन्होंने ये पॉइंट पिकअप करने के लिए कोशिश की। 5+2 और आखिरी 5 मिनट रह गए मैच के, स्कोर होते हुए 32-25 महाराष्ट्र 32 उत्तर प्रदेश 25, 7 पॉइंट का ये लीड, और ऑल आउट अगर होगा महाराष्ट्र तो लीड करेगा, और ये थर्ड रेड महाराष्ट्र की, देखना होगा बहुत निर्णायक रेड की तरफ नीलेश साळुंखे बढ़ते हुए, और सुपर टैकल होके अगर लोन गिरता है तो 1 पॉइंट की लीड भी ले सकती है उत्तर प्रदेश, क्योंकि 5 की कवर, 2 ऑल आउट के पॉइंट्स और ये सुपर टैकल का 1 पॉइंट, 8 का लीड, और नीलेश का पूरा प्रयास करते हुए नीलेश साळुंखे हाथ कुछ नहीं लग रहा है, काफी अच्छी प्लान, और ये गलती नीलेश साळुंखे की, सुपर टैकल होते हुए नीलेश साळुंखे बहुत बहुत रोमांचक मोड पे आके रुक चुका है। ये मैच 32-27 सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट की लीड रह चुकी है महाराष्ट्र की, और यहाँ महाराष्ट्र को कुछ अलग रणनीति बनाने की जरूरत है, अभी कुछ अभी अलग रणनीति, प्ले से हम तो बोलेंगे प्ले से, प्ले साउंड, और सिर्फ आपको अभी टैकल करना है, बोनस हॉर्न नहीं है, सिर्फ आपके 4 प्लेयर बचे हैं, आप शायद मानिक राठौर जी, उनके कोच कुछ ना कुछ उनको तरकीब बता रहे हैं, नगर सेवक आत्माराम, अब उनकी तर रेड है, और इस तर रेड में अगर उनको पॉइंट नहीं देंगे, उनकी डू एंड डाई रेड में अगर उनको पॉइंट नहीं देंगे और उनको कैच करेंगे, टैकल करना होगा। वैसे तो कवर के सभी प्लेयर अच्छे हैं, कैच होना होनी ही चाहिए, लेट्स सी उनकी डू एंड डाई रेड, उत्तर प्रदेश डू एंड डाई रेड, यू हैव टू डू समथिंग और डाई, यू हैव टू डू और यू हैव टू डाई और यू विल डाई, देखना होगा अभी क्या होता है। ऋतुराज सामने राइट कॉर्नर से, और यहाँ और ये कृष्णा मदने का बहुत बेहतरीन बैक शूट, क्या बात है कृष्णा मदने, पर कहीं ना कहीं कमतरता लग रही थी गिरीश शिरनाक की, पर कृष्णा मदने ने पूरी तरह से उन्हें भर के उभर के आए हुए, एक नया खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी उभर के आते हुए इस कबड्डी के खेल का। सही बात है एलियन मैम, इसी बात में 6 पॉइंट की लीड ले चुकी महाराष्ट्र, और सेफ खेलने का प्रयास चल रहा है। देखिए किस तरह वीना जी, देखिए किस तरह 30 सेकंड का पूरा उपयोग करते हुए स्कोर कुछ ज्यादा नहीं बचा है, सिर्फ 6 पॉइंट का लीड है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र 33 और 27 फिर आके उसी मोड पे खड़ा हुआ है मैच, 3 की
कवर और सुपर टैकल, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा अभी और वो कोई भी रिस्क नहीं लेगा क्योंकि अभी उसे को किसी भी तरह मैच को अपने किसे में अपने पॉकेट में डालना है। ऋषांक संभल के खेलते हुए और उत्तर प्रदेश डू एंड डाई डू और राइड के लिए खेलते हुए और ये डू और डाई रेड थर्ड रेड उपस्थित है त्यांचा पुष्पगुच्छ सन्मान करण्याची विनंती मी विभाग प्रमुख प्रमोद सावंत यांना करतो की त्यांनी या ठिकाणी काफी टेंशन वाली रेड है और यहाँ ऋषांक आउट और ऋषांक सामने वाले उत्तर प्रदेश की इस रेडर ने पीछे से आके एडवांस टैकल करके ऋषांक को बर दबोचा है। सभी के अभी धड़कने बढ़ गई है ब्लड प्रेशर वालों को थोड़ा दूर रहना चाहिए अभी थोड़ा। दो पॉइंट मिल चुके सुपर टैकल के दो सुपर टैकल हुए एक नीलेश सालुंके को और एक ऋषांक देवाड़ी को और सिर्फ दो मिनट की गड़ी में क्या बातें विकास काले उबर के आते हुए एक कैच अच्छी तरह उलट पुलट के उन्होंने कवर किया और एक कैच खेलते हुए महाराष्ट्र के पास 5 पॉइंट की लीड आ गई है। चलो कहीं ना कहीं धड़कने बढ़ रही है सभी की पर अच्छा हो रहा है अच्छा रोमांचक मैच चल रहा है दर्शकों को भी मजा आता होगा इस मैच को देखते हुए। महाराष्ट्र भी सेफ खेलने की कोशिश कर रही है अभी महाराष्ट्र कोई भी रिस्क लेने के लिए जी हाँ अभी सिर्फ डेढ़ या दो मिनट बचे होंगे ज्यादा से ज्यादा 3 रेड हो सकते हैं अभी फिर भी उत्तर प्रदेश सेफ उनको अटैक करना जरूरी था इस मोड पे क्योंकि टाइम वक्त उनके पास बचा नहीं है वक्त उनके हाथों से निकलता जा रहा है उनको जाके अटैक करना था अभी क्योंकि वो जाके वापिस आने से डू और डाई रेड को बहुत वक्त है अभी और 2 रेड के बाद डू और डाई रेड होगा और 1 मिनट देते हुए रेफरी लास्ट मिनट जी हाँ लास्ट मिनट इस मैच का और स्कोर डिफरेंस है 34-29 महाराष्ट्र 34 5 पॉइंट का डिफरेंस उत्तर प्रदेश 29 टाइम आउट लिया है महाराष्ट्र की तरफ से जी हाँ टाइम आउट की तो बहुत जरूरत होते हुए अभी अभी आपको थोड़ी देर में देखने मिलेगा कर्नाटका और उत्तराखंड की मैच जहां खेल रहे स्टार रेडर शब्बीर बापू सुकेश हेगड़े प्रशांत राय जीवा कुमार प्रपंजन और दर्शन जे और अच्छे अच्छे खिलाड़ी है उत्तराखंड के विनोद कुमार नितिन रावल सुनील कुमार और ये टॉप का रेडर वहां डुबकी किंग प्रदीप नरवाल जिसकी ये टीम है उत्तराखंड। चलो ये मैच में भी वही रोमांचक क्षण हमें देखने मिलेंगे पर महाराष्ट्र की तो ये डू एंड डाई डू और डाई रेड क्या चल रहा होगा नितिन मदने के दिमाग में आहा नितिन मदने ने दिमाग से खेला 2 पॉइंट गए फिर भी चलेगा पर पूरे के पूरे 30 सेकंड उन्होंने यूज किए कुछ तो स्ट्रेटेजी होगी अभी टाइम आउट लिया गया था देखना होगा कि क्या स्ट्रेटजी थी। महाराष्ट्र काफी सेफ खेलता हुआ यहाँ पे हमें दिख रहा है मगर इतनी सेफ ओ ये फुल टाइम स्कोर महाराष्ट्र 34 और उत्तर प्रदेश 33 सिर्फ 1 पॉइंट के लीड से महाराष्ट्र जीत चुकी है। दांतों तले नाखून चबाने वाला ये खेल क्या बात है क्या जबरदस्त मैच हुआ है पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने मैच जीतने की कोशिश की बहुत बेहतरीन खेले हैं उत्तर प्रदेश क्या बात है पर महाराष्ट्र चलो 1 पॉइंट से तो जीते। वीना जी आपको पता चलता होगा उत्तर प्रदेश क्यों आ गए हैं उनको 3 सुपर टैकल मिले एक नीलेश सालुंके की एक ऋषांक देवाड़िया की और जो अभी आपने सेकंड लास्ट रेड में देखा जो नितिन मदने आउट हुआ सुपर टैकल के वजह से 6 पॉइंट्स की लीड उनको 2-2 पॉइंट्स मिले और वो आगे आ चुके हैं। महाराष्ट्र के टीम को इस गलतियों के लिए कुछ तो कंसर्न करना अभी जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट मैच में अगर नेक्स्ट मैच में और भी स्टार प्लेयर के साथ आपको खेलना है तो आपको पूरी तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा ऐसी गलती करेंगे तो नो स्कोप ओवर देयर
पर अभी के लिए तो महाराष्ट्र काफी खुश होगी कि वो एक पॉइंट से जीत